Today I will explain the second part of this lesson. This is the course 1 book of English literature. Lesson number 8, The Hungry Dragon. I have explained the part 1 of this lesson. I will revise this lesson again. The Hungry Dragon. A dragon lives deep in a forest. He wakes up after a long time. Dragon mein sota hai, pankh wala nag, ya ajgar bhi keh sakte hain, pankh wala ajgar. Bhooka pankh wala ajgar. A dragon lives deep in a forest. He wakes up after a long time. I have not eaten for 100 years. I am so hungry. एक पंख वाला नाग जो था जंगल की गहराई में रहा करता था. गंभीर जंगल में एक पंख वाला अजगर गंभीर जंगल में रहा करता था, गहरे जंगल में. ही वेक्स अप आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. वो बहुत लंबे समय के बाद जागता है और कहता है कि आई हैव नॉट ईटन फॉर 100 years. मैंने 1 सालों से कुछ नहीं खाया, 100 साल से मैं कुछ नहीं खाया हूँ. आई एम सो हंग्री. मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ. सो ही गोज टू द विलेज इन सर्च ऑफ फूड. इसलिए वो खाने की तलाश में गांव में जाता है. आह देयर इज़ अ बॉय, लेट मी ईट हिम. यहाँ एक लड़का है, मुझे इसे खाने दो. बॉय प्लीज डू नॉट ईट मी, आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ फूड. व्हाट काइंड ऑफ फूड? मेहरबानी करके मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा. ड्रैगन कहता है किस तरह का खाना. बॉय कहता है हेयर दे आर 2 प्लेट्स ऑफ चिकन, 13 eggs एंड 1 bag ऑफ राइस. यहाँ पे 2 प्लेट मुर्गी है, चिकन है, 13 अंडे हैं और 1 थैला चावल का है. ड्रैगन कहता है दिस इज़ नाइस, आई लव चिकन. ये तो बहुत अच्छा है, आई लव चिकन, मुझे चिकन बहुत पसंद है. बट इवन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग द ड्रैगन इज स्टिल हंग्री. सारे चीज़ों को खाने के बाद भी वो जो ड्रैगन रहता है वो फिर भी भूखा रहता है. सो दे गो टू अ होटल. इसलिए वह लोग एक होटल में जाते हैं. ऑल राइट देयर आर ऑल फॉर यू, 2 प्लेटफुल ऑफ फिश, 11 प्लेट्स ऑफ फ्राइड राइस, 6 पुडिंग्स एंड अ केक. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे लिए 2 प्लेट भर मछली है, 11 प्लेट यानी कि 11 प्लेट जो है तुम्हारे लिए फ्राइड राइस है यहाँ, और 6 पुडिंग और 1 केक है. ड्रैगन कहता है नाइस, बहुत अच्छा. इवन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग, सारी चीज़ों को खाने के बाद भी ड्रैगन कहता है आई एम स्टिल हंग्री, मैं फिर भी भूखा हूँ. ऑल राइट यू कैन ईट ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दिस शॉप. ये जो बॉय रहता है वो कहता है ठीक है, तुम सारे सब्जियों और सारे फलों को इस दुकान के खा सकते हो. इवन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग दैट वॉज नाइस बट आई एम स्टिल हंग्री. जब वो शॉप के उस दुकान के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने के बाद सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को जब वो खा लेता है फिर भी वो कहता है मैं फिर भी भूखा हूँ. अब वो लड़का जो रहता है वो सोचता है व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ. आह आई हैव अ स्वीट इन माय पॉकेट, हियर आई हैव अ स्वीट, प्लीज टेक इट. When the dragon eats the sweet, he explodes. Hooray! Now he will never eat boys again. A
अब वो लड़का जो है वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे पॉकेट में क्या है, एक स्वीट है, स्वीट स्वीट कहते हैं मिठाई को, हियर आई हैव अ स्वीट, यहाँ मिठाई है, प्लीज़ टेक इट, मेहरबानी करके इसे ले लो। When the dragon eats the sweet, he explodes. जब पंख वाला नाग या अजगर उस मिठाई को खाता है तो वो क्या हो जाता है, वो विस्फोट हो जाता है, फूट जाता है वो, और वो बच्चा जो रहता है, वो जो लड़का रहता है, वो खुशी से झूमने लगता है। अब कहता है Now he will never eat boys again. अब ये किसी भी लड़के को नहीं खाएगा। Even after finishing everything, finish मतलब होता है ख़त्म करना, everything यानी कि हर चीज़ को, have means होता है रखना, sweet मिठाई को कहते हैं, टेक मिस होता है लेना, ईट मिस होता है खाना, एक्सप्लोड कहते हैं विस्फोट होना। वर्ड मीनिंग दिया गया है यहाँ पे केक, ए स्वीट फूड मेड फ्रॉम फ्लोर एग्स शुगर एंड बटर एंड बेक इन एन ओवन, एक मीठा सा खाना जो किसे बना होता है, मैदा, अंडा, चीनी, मक्खन, और वो किस में पकता है, ओवन में पकता है, एक्सप्लोड्स ब्रस्ट सडनली विथ अ वेरी लाउड सो नॉइज, यानी कि फटना किसी चीज़ का अचानक से बहुत जोर के आवाज़ के साथ। रीडिंग नंबर ए, रीड एंड आंसर, सर्कल द करेक्ट आंसर, जो सही उत्तर है उसे आपको क्या करना है, सर्कल करना है, रीड पढ़िए और उत्तर दीजिए। ए नंबर, द ड्रैगन लीव्स इन द सिटी, नंबर टू फॉरेस्ट, नंबर थ्री विलेज। ड्रैगन, ड्रैगन में सोता है पंख वाला अजगर, पंख वाला अजगर रहता है सिटी, सिटी कहते हैं शहर को, फॉरेस्ट जंगल को, विलेज गांव को। पंख वाला ड्रैगन रहता है शहर में, जंगल में या गांव में, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं इस स्टोरी में कि द ड्रैगन लीव्स इन द फॉरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सो सर्कल द सेकेंड ऑप्शन। नंबर बी, द ड्रैगन इज हैप्पी टू सी द बॉय बिकॉज ही वॉन्ट्स टू, ऑप्शन वन आस्क हिम फॉर फूड, ऑप्शन टू ईट हिम, ऑप्शन थ्री टॉक टू हिम।
द ड्रैगन इज हैप्पी टू सी द बॉय। पंख वाला अजगर खुश था लड़के को देखकर, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू, वो चाहता था। आस्क हिम फॉर फूड, उससे खाना चाहता था, उसे खाना मांगना चाहता था, इस वजह से वो लड़के को देख के खुश था। ईट हिम, या उस लड़के को खाना चाहता था। नंबर 3, टॉक टू हिम, या उससे बात करना चाहता था। द ड्रैगन इज हैप्पी टू सी द बॉय बिकॉज ही वॉन्ट्स टू। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ईट हिम, क्योंकि वो लड़के को खाना चाहता। वो ड्रैगन जो है लड़के को देखकर खुश है क्योंकि वो लड़के को खाना चाहता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ईट हिम, सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सो सर्कल द सेकेंड ऑप्शन। सी नंबर, बट इवन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग द ड्रैगन इज स्टिल हंग्री। दिस मीन्स दैट द बॉय हैज टू, ऑप्शन नंबर 1, गिव हिम मोर फूड, गिव हिम नथिंग, बट इवन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग, सारी चीजों को खाने के बाद भी द ड्रैगन इज स्टिल हंग्री। पंख वाला अजगर जो है वो फिर भी क्या है, भूखा है। इसका मतलब है कि लड़के को उसे और फूड, और ज़्यादा, गिव हिम मोर फूड, उसे क्या करना है, लड़के को देना पड़ता है उसे ज़्यादा खाना, या लड़का उसे कुछ भी नहीं देगा। इसका मतलब क्या, ये जो सेंटेंस लिखा गया है, बट इवन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग द ड्रैगन इज स्टिल हंग्री। दिस मीन्स दैट द बॉय हैज टू गिव हिम मोर फूड। इसका मतलब है लड़के को और ज़्यादा खाना उसे देना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सो सर्कल द फर्स्ट ऑप्शन। This means that the boy has to give him more food. डी नंबर, व्हेन द ड्रैगन ईट्स द स्वीट ही एक्सप्लोड्स।
The dragon explodes because the sweet is a firecracker. Option 2. He has eaten a lot. जब ड्रैगन जो रहता है वो मिठाई को खाता है तो वो विस्फोट हो जाता है, यानी कि वो फट जाता है. द ड्रैगन एक्सप्लोड्स बिकॉज ड्रैगन जो है वो फट जाता है क्योंकि द स्वीट इज़ अ फायर क्रैकर, वो जो मिठाई रहता है वो एक पटाखा रहता है. या ऑप्शन 2, ही हैज़ ईटन अ लॉट, वो बहुत सारा खा लेता है इस वजह से वो फट जाता है. ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है. वो मिठाई नहीं रहता है, वो क्या रहता है? वो एक फायर क्रैकर रहता है. सर्कल द फर्स्ट वन. द ड्रैगन एक्सप्लोड्स बिकॉज द स्वीट इज अ फायर क्रैकर.